Hello students, today we will start examples of quadratic residue. Then example number one. सबसे पहले हमने quadratic residue की definition क्या पढ़ी थी बेटा? X के component a mod p, ठीक है बेटा? P क्या था? Odd prime, a क्या? Any integer. Then a is called quadratic residue if this equation has a solution. सेकेंड हमने पढ़ा बेटा यदि a इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू देन इंडेक्स ऑफ a इज इवन. बेटा इलर क्राइटेरिया में क्या पढ़ा है बेटा? a इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू इफ a इज द पावर p माइनस 1 बाय 2 कॉन्करेंट 1 मोड p. बेटा हमने ये पढ़ा है बेटा अभी तक लास्ट जो अपने वीडियोस बेटा मैंने अपलोड किया उसमें ये पढ़ा है. Then we start first, given that A is a quadratic residue of odd prime P, prove that A is not a permittive root of P. So first beta, A is quadratic residue by Euler criterion beta, A the power P minus 1 by 2 concurrent 1 mod P. Okay beta. तो हमें प्रूव करना है a इज नॉट ए परमिटिव रूट. इफ पॉसिबल a इज ए परमिटिव रूट. तो क्या कंडीशन थी बेटा परमिटिव रूट की? a की पावर p माइनस 1 कॉन्करेंट 1 मोड p. बेटा यही पढ़ा था ना, g की पावर 5m कॉन्करेंट 1 मोड p, मोड m. ओके, यहाँ पे क्या है p, क्या है प्राइम, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा p माइनस 1. तो बेटा परमिटिव रूट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है बेटा नॉट लेस देन दिस पावर विच आर कॉन्करेंट टू 1, इससे कम कोई भी पावर ना हो जो 1 के साथ कॉन्करेंट है. बट p माइनस 1 बाय 2 लेस देन क्या है p माइनस 1, देन आवर सपोजिशन रॉन्ग. सो a इज नॉट ए परमिटिव रूट ऑफ p. क्लियर है बेटा पॉइंट. सेकंड, p माइनस a इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ p अकॉर्डिंग एज p कॉन्करेंट 1 मोड 4 और p कॉन्करेंट 3 मोड 4. ओके, अब हमने ये प्रूव करना है बेटा. देखो बेटा p माइनस a, दिस वन इज कॉन्करेंट टू माइनस a मोड p. क्लियर है बेटा पॉइंट. देन बेटा हमने पढ़ा बेटा यदि a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो a की पावर p माइनस 1 बाय 2 कॉन्करेंट 1. यदि a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं है तो a की पावर p माइनस 1 बाय 2 कॉन्करेंट माइनस 1 मोड p. बेटा ये पढ़ा है ना हमने, तो यहाँ पे आ जाओ बेटा p माइनस a की पावर p माइनस 1 बाय 2 कॉन्करेंट माइनस a की पावर p माइनस 1 बाय 2 मोड p. मैंने पावर ले ली बेटा p माइनस 1 बाय 2 कॉन्करेंट माइनस 1 दी p माइनस 1 बाय 2 a दी p माइनस 1 बाय 2 मोड p. बेटा ये आ गया. ओके, अब बात करते हैं बेटा. देखो a क्या है? क्वाड्रेटिक रेसिड्यू. तो दिस वन इज कॉन्करेंट टू 1, मेरे पास क्या है माइनस 1 दी p माइनस 1 बाय 2 मोड p. क्लियर है ना बेटा? a इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू गिवन है तो मैं ये भी मालूम है, तो मैंने ये लिख दिया बेटा. अब फर्स्ट तो ये है ना बेटा, ये p माइनस a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का होगा जब ये कॉन्करेंट टू 1 होगा. नॉन क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू का होगा जब इसकी वैल्यू क्या है, ये माइनस 1. तो केस 1 p concurrent 1 mod 4. Okay, so we write p equal to 1 plus 4k p minus 1 by 2 2k. 2k kya hai? Even. So yahan pe kya aa gaya? Even. So p minus a the power p minus 1 by 2 concurrent 1 mod p. So yadi ye concurrent to 1 hai to clear hai p minus a kya ho gaya beta? Quadratic residue. अब सेकंड केस सेकंड बेटा, p कॉन्करेंट 3 मोड 4, देन p इक्वल टू 3 प्लस 4k, p माइनस 1 2 प्लस 2 4k डिवाइड बाय 2. तो यहां पे क्या आ गया बेटा? ओड पावर आ गई. तो यहाँ पे जब ओड पावर होगी तो क्या आएगा बेटा? p माइनस a दी पावर p माइनस 1 के साथ कॉन्करेंट होगा माइनस 1. यदि यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है तो p माइनस a क्या हो गया बेटा? क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ p. बेटा थर्ड पॉइंट देखो आप, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या है बेटा, यहाँ पे प्रूव करना है.
p concurrent 3 mod 4, then x concurrent plus minus a the power p plus 1 by 4 mod p, our solution of x square concurrent a mod p. बेटा हमने ये प्रूव करना है. फर्स्ट हमें क्या गिवन है बेटा, हमने प्रूव करना है x कंपोनेंट a प्लस माइनस a दी पावर p प्लस 1 बाय 4 मोड p आर सॉल्यूशन ऑफ दिस. तो बेटा p इक्वल टू 3 प्लस 4 के, ओके, p प्लस 1 4 प्लस 4 के, तो p प्लस 1 बाय 2 2 प्लस 2 के आ गया मेरे पास. ओके, तो बेटा इफ दिस वन इज अ सॉल्यूशन, इफ x concurrent plus minus a the power p plus 1 by 4 mod p our solution of x square concurrent a mod p, if beta p plus 1 by 2 kya hai, 2 the power 2k, okay, if this one is a solution, then a the power 2k plus 2, okay, concurrent a mod p, ek beta p concurrent 3 mod 4 p plus 1 4 plus 4 k upon 4 le liye ab yahan pe 4 tha beta 1 plus k, to yahan pe kya bana beta 1 plus k the square. If samjhe beta, this one is a solution of this, maine ye value yahan pe rakhi beta, a ki value 2k plus 2 concurrent a mod p, if a the power 2k plus 1 into a concurrent a mod p, okay, then 2k plus 1 jahan pe dekhiye beta 2k plus 1 p minus 1 2 plus 2k, to 2 ke sath divide kar diya beta maine 1, sorry yahan se beta dekhiye p minus 1 2 plus 2k, p minus 1 by 2 2 plus 2k, तो यहाँ पे क्या होना बेटा मेरे पास a the power p minus 1 by 2 into a concurrent a mod p. ये बताओ बेटा a क्या है, quadratic residue, यदि a quadratic, this one is concurrent to 1, if a concurrent a mod p, तो क्या आ गया बेटा, which is true, so this one is a solution of this equation. क्लियर है बेटा. सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में क्या पढ़ना है बेटा, हमने पहले इसके फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, a इज ए क्वाड्रेटिक रेसिडुअल देन a इज नॉट ए परमिटिव रूट. अब क्या है बेटा देखो, इफ एग्जांपल 2 शो दैट a permittive root of r prime p, okay, r prime p is always quadratic non-residue mod p. जो permittive root है वो ऑलवेज क्वाड्रेटिक क्या होगा बेटा, नॉन रेसिड्यू होगा. लेट जी इज ए परमिटिव रूट, जी परमिटिव रूट है, तो जी की पावर पी माइनस वन कॉन्करेंट वन मोड पी, ओके, यदि जी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो जी की पावर क्या आएगी, पी माइनस वन बाय टू कॉन्करेंट वन मोड पी, यही होगा ना. अब पी माइनस वन बाय टू लेस देन पी माइनस वन है, ये तो क्या लग गई बेटा, कंट्रडिक्शन. यदि यहाँ पे कंट्रडिक्शन लग रही है बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, जी दी पावर पी माइनस वन कॉन्करेंट वन, यहाँ पे क्या है, जी दी पावर पी, तो क्या लगी बेटा, कंट्रडिक्शन. तो हम ये कहेंगे बेटा, यदि जी परमिटिव रूट है तो जी क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है, मीन्स जी दी पावर पी माइनस वन बाय टू कॉन्करेंट माइनस वन आएगा बेटा यहाँ पे, ओके, ध्यान रखना बेटा. नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें यूज करना है बेटा ये रिजल्ट. नेक्स्ट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, इफ शो दैट इफ ए इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ पी,
4 prime p. Okay. And AB. And AB concurrent 1. But अब quadratic residue दिया हुआ है बेटा. Quadratic residue mod m दिया हुआ है बेटा. Mod m. And AB concurrent 1 mod m. Then prove that B is quadratic residue mod m. मैंने ये prove करना है बेटा. इसके बाद then prove that product of quadratic residue mod p, product of quadratic residue mod p is concurrent to 1 or minus 1 according as prime p is the form 4k plus 3 or 4k plus 1. Beta ye example. If a is a quadratic residue mod n, तो क्या लिखेंगे बेटा. a दी पावर 5m by 2 concurrent 1 mod m. बिकॉज यहाँ पे p होता था तो क्या लिखते थे p minus 1. 5p किसके इक्वल था p minus 1. तो 5m by 2. a भी concurrent 1 भी दिया हुआ है बेटा हमने mod m. रेज पावर a b दी पावर 5m by 2 concurrent 1 mod m. मैंने क्या प्रूव करना था बेटा. b इज परमिटिव रूट, सॉरी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू. तो यहाँ पे क्या a द पावर 5m by 2 into b द पावर 5m by 2 concurrent 1 mod m. दिस वन इज concurrent टू 1. b द पावर 5m by 2 concurrent 1 mod m. तो b क्या हुआ बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक रेसिड्यू. अब आगे क्या प्रूव करना है. प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मोड पी इज कॉन्करेंट टू 1 और माइनस 1. अब देखो बेटा यहाँ पे लेट जी क्या लिया बेटा मैंने परमिटिव रूट ऑफ पी. तो बेटा मैंने प्रूव किया था जी परमिटिव रूट है तो इंडेक्स ऑफ ए क्या था बेटा इवन पावर. तो यहाँ पे क्या कौन कौन से क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे. जी स्क्वायर, जी डी फोर, जी डी सिक्स अप टू जी डी पी माइनस वन. ये क्या बेटा सभी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है. तो इनकी प्रोडक्ट निकाल लिया जी स्क्वायर, जी डी सिक्स, जी डी सिक्स फोर सिक्स अप टू जी डी पी माइनस वन. क्या लिखेंगे जी डी पावर 4 प्लस 6 अप टू पी माइनस 1. जी डी पावर 2 कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू p माइनस 1 बाय 2. ओके बेटा समेशन n का फॉर्मूला क्या था. समेशन n 1 प्लस 2 प्लस n. दिस वन इज n n प्लस 1 बाय 2. यहाँ पे क्या है p माइनस 1 बाय 2. क्या लिखेंगे p माइनस 1 बाय 2. p माइनस 1 बाय 2 प्लस 1. p प्लस 1 बाय 2 अपॉन 2. तो p स्क्वायर माइनस 1 बाय 8 होगा प्लस. ओके मेरे पास ये वैल्यू आ गई बेटा जी दी पावर जी की पावर बेटा. ओके पी माइनस 1 बाय 2. ओके ये है बेटा मेरे पास. ओके 2 यहां पे भी था बेटा. 2 के साथ 2 कैंसिल तो यहां पे क्या आ गया 4. अब बेटा ये केस पे आ जाओ आप. इसने कहा है 1 और माइनस 1 इफ 4 के प्लस एन 4 के प्लस 1. तो फर्स्ट देखो बेटा जी क्या है बेटा परमिटिव रूट है. ओके हमें गिवन है जी क्या है बेटा यहाँ पे परमिटिव रूट. तो बेटा अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा देखो एक यदि जी इज ए परमिटिव रूट ऑफ 4 प्राइम देन ऑलवेज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ मोड पी. देखो बेटा ए परमिटिव रूट ऑफ 4 प्राइम पी
इज ऑलवेज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिडुअल मोड पी। मैंने क्या कहा था बेटा, दिस वन इज कॉन्करेंट टू माइनस वन। तो यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास, माइनस वन दी पावर पी स्क्वायर माइनस, अगेन देखो बेटा इसने प्रोडक्ट कहा था, मैं प्रोडक्ट निकाल ली बेटा जितने भी परमिटिव रूट है, तो मेरे पास ये आ गई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट प्रूव किया था बेटा, जो परमिटिव रूट होता है वो ऑलवेज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिडुअल, नॉन रेसिडुअल की कंडीशन क्या होती है, माइनस वन। तो माइनस वन, तो यहाँ पे बेटा मैं कर लूँ सॉल्व थोड़ा सा, पी की पावर माइनस वन बाय टू इंटू पी प्लस वन बाय टू। तो यहाँ पे क्या बना मेरे पास, माइनस वन दी पी प्लस वन बाय टू आ गया बेटा दिस, ये रिजल्ट यूज किया बेटा मैंने। अब बात करते हैं बेटा इसकी, यदि p इस फॉर्म में है 4k प्लस 3 प्लस 1, 4k प्लस 4 बाय 2, 2k प्लस 2 तो इवन बन गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। यदि मैं ये रख रहा हूँ देखो, p प्लस 1, 4k प्लस 2 बाय 2, 2k प्लस 1 क्या बना और, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में और एक दो एग्जांपल करनी है, तो थैंक यू वेरी मच बेटा।